दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी कली वाला प्लाजो पैंट कैसे बनाते हैं। प्लाजो बनाने के लिए मैंने 2 मीटर क्लॉथ लिया है, 1 मीटर डिजाइनर क्लॉथ है, 1 मीटर प्लेन है। तभी आपको इसकी कटिंग बताती हूँ। ये 1 मीटर डिजाइनर क्लॉथ है, इसको मैंने डबल फोल्ड किया है। अभी इसको फोर फोल्डिंग करेंगे। अब इसको मैंने फोर फोल्डिंग कर लिया है। जो इसकी लंबाई है वो 40 इंच है, तो हम इसका मेजरमेंट करते हैं। जैसे कि इसकी लंबाई है 43 इंच, जो ये डिजाइन है ये नीचे फोल्डिंग में चला जाएगा, और उसके बाद जो हमारी लंबाई बचेगी इसकी 42 इंच बचेगी। तो 2 इंच इसमें हम ऊपर नेफा अटैच कर देंगे, सेम कपड़े में फोल्ड कर देंगे, और 40 इंच हमारी लंबाई तैयार हो जाएगी। तो अभी इसको फोर फोल्डिंग कर लिया है। अब जो दूसरा क्लॉथ है 1 मीटर, ये डिजाइनर भी मैंने फोर फोल्डिंग कर लिया है, और जो दूसरा 1 मीटर क्लॉथ है इसको भी फोर फोल्डिंग कर लिया है। तो हमको इसको इस तरह से रखेंगे। रखने के बाद अभी हम सबसे पहले ऊपर से आसन लेते हैं, उसके बाद मोहरी का साइज। तो इसमें हमने 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है सिलाई और नेफा के लिए, तो 2 इंच हम इसमें छोड़ देते हैं जो कि हमारा नेफा बनेगा। नेफा के बाद आसन है 15 इंच। और इसमें मैंने 2.5 इंच में इस तरह से इसको निशान लगा दिया है। सेम 2.5 इंच में ऊपर से निशान लगाएंगे। तो जो निशान लगा रहे हैं हम उसको जो नेफा से ही स्टार्ट कर रहे हैं, जो हमने फुल लेंथ लिया है उसका, हमने मैंने नेफा से पूरा लेंथ ले लिया, तो 16.5 इंच आ रहा है। मैंने स्ट्रेट लाइन खींच लिया है। अभी जो हम यहाँ पर गुलाई देंगे वो 1.5 इंच की इसमें गुलाई देते हैं। तो ये हमारा आसन है। अभी आसन जैसे पॉइंट दे दिया है, वहां से हम थाई का मेजरमेंट लेंगे। जैसे थाई 34 है, तो ये 17 इंच लिया है मैंने। तो जो 17 इंच लिया है, तो यहाँ पे हम 17 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। अभी जैसे पूरा लेंथ इसका जो कपड़े का लेंथ आ रहा है वो 18 इंच आ रहा है, तो हम इसको मोहरी को वो फुल लेंथ में ही रखते हैं 18 इंच में, और जो हाफ इंच है वो स्टिचिंग में चला जाएगा। 18 इंच आपका मोहरी तैयार में रहेगा। तो इसको हम इस तरह से एक लाइन खींचते हैं, और जो नी पे हम इसको थोड़ा सा टाइट रखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर आसन में 17 इंच लिया है, तो यहाँ पर मैं 15 इंच ले रही हूँ। ये नी पे आएगा जो वो 15 इंच पे आएगा। तो जी पॉइंट हमने लगाए हैं इसको इस तरह से, हम इसमें गुलाई में निशान लगा देंगे। तो हमारा प्लाजो इस तरह से आएगा। हमारा ये थाई मेजरमेंट हो गया, ये नी मेजरमेंट है, और ये हमारा मोहरी का मेजरमेंट है। तो सेम पॉइंट में हम इसको कट करेंगे। कटिंग होने के बाद ये इस तरह से आ रहा है। जैसे ये जॉइंट है फोर फोल्डिंग का, तो इसको भी हम कट करते हैं, और दूसरे फोर जो हमारा क्लॉथ है इसमें भी एक 1 पॉइंट है, इसको भी कट करते हैं। जो 1 जॉइंट है इसको भी कट करेंगे। अभी मैंने ये सभी पीस कट कर लिए हैं, अलग अलग कर लिए हैं। अभी आपको इसका सिलाई के बारे में बताती हूँ। तो इन दोनों पीसों को जो सेंटर के हैं उन्हें सेपरेट रखेंगे। अभी ये सेंटर पार्ट है, और जो हमारी ये दो कली हैं वो हम इस तरह से इन कलियों को ज्वाइंट करेंगे। फर्स्ट टाइम आप 1 साइड ज्वाइंट कर लें। तब जो ज्वाइंट करें तो ऊपर से ज्वाइंट करें, जो कि आपको आगे पीछे जो क्लॉथ आ रहा है, तो बाद में आप इसकी गुलाई दे दें, और दूसरे पार्ट में दूसरी कली। तो आपका 1 पैर इस तरह से तैयार हो जाएगा।
सेम आप दूसरे पीस में करें। जब आपकी चारों कली दोनों पैरों की तैयार हो जाए, उसके बाद आप ये आसन है तो आसन को आप इस तरह से दोनों पीसों को, वन साइड के पीस को और वन साइड के पीस को, दोनों साइड के पीसों को लेके स्टिच कर लें, और लास्ट में दूसरा साइड स्टिच करने के बाद आप नेफा तैयार करें। नेफा तैयार करने के बाद आप इसमें जो हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया है उस साइज में सिलाई डाल लें, और उसके आप जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है मोहरी में आप उसको फोल्ड। आप जब नेफा फोल्ड करें तो आप चाहे इसमें नाड़ा डाल सकते हैं, चाहे आप इसमें इलास्टिक डाल सकते हैं। और प्लाजो पैंट की सिलाई के मैंने कई वीडियो अपलोड किए हैं, आप मेरे चैनल पर जाकर देख लें, जिससे कि आपको सिलने में इजी रहेगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।